नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग टेक एंड व्यू चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे अदामा के पॉपुलर कीटनाशक बाराजाइट के बारे में, साथ ही बात करेंगे टेक्निकल फार्मूले, प्राइडोज, फसलें, कार्य और कौन कौन से कीटों को नियंत्रण में करता है, ए टू जेड बात करेंगे इस वीडियो में। जो किसान भाई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले खेती किसानी से जुड़ी सही जानकारी देखने के लिए। अदामा कंपनी बाराजाइट इंसेक्टिसाइड के नाम से इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। इसके टेक्निकल फार्मूले की बात करें तो इसमें नोवलुरन 5.25% प्लस सिमामेक्टिन बेंजोइड 0.9% ऐसी फॉर्म के कॉम्बिनेशन में आता है, जो ग्रुप 28 का इंसेक्टिसाइड है। अब बात करते हैं बाराजाइट क्या और या कैसे कार्य करता है। बाराजाइट एक ऐसा कीटनाशक है जो कम प्राइस में मिलने के साथ साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यह लेपिडोप्टेरा प्रजाति के कीटों को नियंत्रण में करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेपिडोप्टेरा प्रजाति के कीट फसलों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं और हर कंपनी का सबसे ज़्यादा मकसद होता है कि हमारा कीटनाशक लेपिडोप्टेरा से संबंधित कीटों को नियंत्रण में करें। बाराजाइट भी कोरोजन, फेम, टाकुमी जैसे पॉपुलर कीटनाशक से रिलेटेड है और ये भी सभी ग्रुप 28 के इंसेक्टिसाइड हैं। जिन कीटों को कोराजन, फेम, टाकुमी कंट्रोल में करते हैं उन सभी कीटों को बाराजाइट भी नियंत्रण में कर सकता है। पर बाराजाइट को ज़्यादातर सब्जी वर्गीय फसलों पर यूज़ करने में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्रुप 28 के इंसेक्टिसाइड ज़्यादा रिएक्शन करते हैं और बाराजाइट थोड़ा कम रिएक्शन करता है, इसलिए सब्जियों पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है व कर सकते हैं। सब्जियों पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और अन्य कीटनाशक की तुलना में खर्च भी कम आता है। बाराजाइट में फाइटोटॉनिक भी होता है जो पत्तियों में क्लोरोफिल को बढ़ाता है और पत्तियों को हरा करता है। बाराजाइट को दो बार से ज़्यादा यूज़ करने पर रिजल्ट कम आ सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए दो बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करें। अब इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। बाराजाइट दो तरीके से कार्रवाई करता है। पहली, यह जैव रासायनिक क्रिया को प्रभावित करके कीटों के शरीर के अंदर चिटिन अवरोधक के रूप में सक्रिय होता है, जो गर्भपात के कारण होता है और कीट अगले स्टेज चरण में नहीं जा सकते और अंत में मर जाते हैं। दूसरी कार्रवाई, बाराजाइट तंत्रिका पेशी जंक्शन और मांसपेशियों को प्रभावित करता है और केंद्रीय तंत्रिका में समस्या पैदा करता है, जिससे संकुचन की स्थायी रोकथाम हो जाती है और कीट लकवाग्रस्त होकर मर जाता है। बाराजाइट का फसलों और सब्जियों में 20 से 25 दिन तक कीट नियंत्रण पर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ज़्यादा तापमान में नियंत्रण अवधि कम हो सकती है और कम तापमान में या ठंड के समय नियंत्रण अवधि बढ़ सकती है। अच्छे रिजल्ट के लिए कम तापमान में स्प्रे करें, ज़्यादा तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करें। अब बात करते हैं बाराजाइट कौन कौन से कीट को नियंत्रण में कर सकता है। तो यह सभी प्रकार की इलियों जैसे सेमी लूपर, फली छेदक, तना छेदक, फल छेदक, तंबाकू इली आदि सभी प्रकार की इलियों को कंट्रोल में कर सकता है। दो तीन प्रकार के कीटों पर रिजल्ट कम मिलता है, जैसे कंबल इली, वाइट फ्लाई जिसको सफ़ेद मच्छर भी कहते हैं, मिली बग जैसे कीटों पर अच्छा नियंत्रण नहीं कर सकता है, यह अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। 15 लीटर पानी में 35 से 40 ml का घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। 350 से 400 ml प्रति एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 1800 रुपये के लगभग इसकी प्राइस है। बात करते हैं किन किन फसलों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन, अरहर, धान, चना, टमाटर, गोभी, मिर्च, बैंगन, खीरा, भिंडी आदि सभी प्रकार की फसलों और सब्जियों पर स्प्रे कर सकते हैं। पैकिंग साइज़ की बात करें तो 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैक में मिल जाएगा। किसान भाई, इसको स्प्रे करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। बाराजाइट के साथ किसी दूसरे फार्म या ग्रुप के कीटनाशक या फंगिसाइड का मिक्स नहीं करें, यह रिएक्शन कर सकता है जिसके कारण रिजल्ट कम या ना के बराबर भी आ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।